तनुश्री के यौन शोषण के आरोपों को लेकर आखिरकार नाना पाटेकर एक बार फिर मीडिया के सामने तो आए, लेकिन कुछ भी सफाई देने से इनकार कर दिया। बोले, मेरे वकील ने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से मना किया है। मेरे वकील ने कहा है पूरी टीम ने कि किसी भी चैनल से बात मत करो, मैं हमेशा आपसे मिलते रहता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जब कहा है तो मुझे ये करना पड़ेगा। सो विल प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। ये 10 साल पहले जो बोला था वही बोला। क्या बोलना, कल जो सच था वो आज सच है, आज जो सच है वो कल सच ही रहेगा, वो तो बदलते नहीं रहे। इतना बोलने के बाद नाना पाटेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। मीडिया वाले नाना पाटेकर से सवाल पूछते रहे, लेकिन नाना ने कोई भी सफाई देने से इनकार कर दिया। अब आपको सुनाते हैं 10 साल पहले नाना पाटेकर ने इस मामले में क्या सफाई दी थी। दिन भर शूटिंग कर रहा था, मुझे कुछ मालूम नहीं, अभी मुझे पता चला, मुझे तो मालूम भी नहीं है वजह क्या है और उनको रिप्लेस क्यों किया गया वो भी मुझे मालूम नहीं था। वो वहाँ ठहरी नहीं, इसलिए इन्होंने रिप्लेस किया उनको। अभी मेरा तो काम था उनके साथ स्टेज पर, और वहाँ हमने कौन सी बदतमीजी की है हमारे समझ में नहीं आता। इतने तकरीबन 1000 लोग हैं उनके सामने हो रहा था ये सब। मुझे एक तो गंदा लग रहा है कि ऐसी सफाई मुझे देनी पड़ती है। 35 साल हूँ मैं इंडस्ट्री में, कभी किसी ने मुझ पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम नहीं लगाया।